अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वाइट सॉस की। ये वाइट सॉस आप किसी भी पास्ता में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वाइट सॉस पास्ता होता है, लज़ानिया में इस्तेमाल करते हैं, और भी इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ वाइट सॉस पास्ता के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। 1/2 टीस्पून हमें चॉप गार्लिक चाहिए होगा, 1 टेबल स्पून मैदा चाहिए होगा, चेडर चीज़ चाहिए होगी हमें 3 से 4 स्लाइसेस, 2 टेबल स्पून बटर चाहिए होगा, 1 कप मिल्क, इसके अलावा सॉल्ट, ब्लैक पेपर और ओरिगानो। अगर आप चाहें तो इसको स्पाइसी बनाने के लिए थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। अब इसकी तैयारी करते हैं कि ये कैसे बनेगा, आइए। जी, तो अब हम वाइट सॉस की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे, उसके बाद इसमें शामिल करेंगे बटर। हीट जो है वो हम अभी लो ही रखेंगे। जब ये बटर इसके अंदर मेल्ट होने लगेगा हम इसके अंदर शामिल कर देंगे मैदा। अब हम इसके अंदर डालेंगे मिल्क। मिल्क वैसे तो मैंने आपको 1 कप बताया है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से अगर हमें थिकनेस ज़्यादा लगी तो हम मज़ीद शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे गार्लिक। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ओरिगानो। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चेडर चीज। सॉल्ट इसके लिए हम 1/2 टीस्पून यूज करेंगे, क्योंकि जो हमने चेडर चीज़ इसमें शामिल किए उसके अंदर भी सॉल्ट होता है। तो सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, ब्लैक पेपर, और अगर आपको इसको थोड़ा सा स्पाइसी करना है तो आप इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये थोड़ा सा थिकनेस की तरफ आता जा रहा है। हमें इसको ज़्यादा थिक नहीं करना है, क्योंकि ये रखने के बाद जब आप इसको निकालेंगे बाउल में तो ये मज़ीद थिक होगा, तो इसलिए इसको जो है ज़्यादा थिक नहीं करना। बस चीज़ पिघलने तक हम इसका वेट करेंगे। जब चीज़ इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी तो उसके बाद हम इसको उतार लेंगे और हमारा वाइट सॉस रेडी है। ये देखें, चीज़ काफ़ी हद तक इसके अंदर मेल्ट हो गई है और ये थिक भी हो गया है।
आपको मज़ीद ठीक रखना है तो आप इसको मज़ीद ठीक रख सकते हैं। देखिए, क्योंकि ये रखने के बाद भी जो है ये काफ़ी थिक हो जाएगा, तो हमारा वाइट सॉस पास्ता, आप इससे चाहें तो लज़ानिया, वाइट सॉस पास्ता, सब चीज़ें बना सकते हैं। वाइट सॉस इज़ रेडी, नाउ इट्स टाइम फॉर डिश आउट। जी तो हमारा वाइट सॉस पास्ता रेडी है, मैंने इसे डिश आउट कर दिया है और अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।